Now coming to the next question, question number 24 says the dimensions of a solid iron cuboid are 4.4 into 2.6 into 1.0 meter. It is melted and recast into a hollow cylindrical pipe of 30 centimeter in a radius and thickness 5 centimeter. Find the length of the pipe. So, सबसे पहले हमें है जो given है वो है cuboid. एक iron cuboid है. Let's suppose इस तरह का एक आपके पास cuboid given है and इस cuboid की आपको length, breadth and height तीनों चीजें गिवन है. अब इसको मेल्ट करके एक हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप बनाया गया है इस तरह से. ओके सो जो उसका इनर रेडियस है दैट इज गिवन टू बी 30 सेंटीमीटर एंड जो उसकी थिकनेस है दैट इज 5 सेंटीमीटर. ओके सो अगर हम पहले यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल पाइप है इसमें देखें तो हमें इसकी लेंथ निकालनी है. बेसिकली वी हैव टू फाइंड दी हाइट. हमें ये देखना है कितनी हाइट का वो पाइप बनेगा. सो यहाँ पे ये चीज तो क्लियर है कि इसको पूरा मेल्ट करके ये बनाया गया है. मीन्स इसका जो वॉल्यूम होगा वो इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा. राइट सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप. नाउ कमिंग टू द सिलेंड्रिकल पाइप, हमारे पास यहाँ पे इनर और आउटर रेडियस हमें दोनों चाहिए होंगे बिकॉज ये हॉलो है. सो द इनर रेडियस ऑफ पाइप क्या हो जाएगी? इनर रेडियस हमें क्लियरली गिवन है 30 सेंटीमीटर. मीटर्स में इसको कन्वर्ट करेंगे सो वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 meters. सो ये हो जाएगा 30/100. 0 से 0 कैंसिल तो यू गेट 0.3 meters. ओके एंड देन द आउटर रेडियस. अब आउटर रेडियस हम कैसे निकालेंगे? इनर रेडियस प्लस द थिकनेस. सो इनर रेडियस इज 0.3 meter प्लस आउटर सॉरी थिकनेस हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है. 5 सेंटीमीटर मींस अगेन मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे सो दिस विल बी 0.05 meter. सो ये हमारे पास आ जाएगा 0.35 meters. ओके तो इनर रेडियस आ गई, आउटर रेडियस आ गई. अब हम दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट कर देंगे. सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द वॉल्यूम of pipe is equal to the volume of cuboid. Correct? So, pipe यहाँ पे cylindrical shape का है तो हमारे पास volume क्या होता है? Pi r square h. But ये hollow है तो r क्या हो जाएगा? Capital R square minus small r square. So, pi capital R square minus small r square into h equals to volume of cuboid length into breadth into height. Correct? So now let's put the values. Pi ho gaya 22/7. R square which is bada wala r kaun sa hoga? Outer wala 0.35 square minus 0.3 square and then into h equals to length हमें given है 4.4 into breadth is 2.6 and 1.0. So यहाँ पे अब अगर हम 0.35 का square करेंगे then 0.3 का square करेंगे उसकी जगह हम identity use कर सकते हैं a square minus b square. So ये 22/7 as it is लिखते हैं. ये हो जाएगा a square minus b square क्या होता है? a plus b, a minus b. So 0.35 plus 0.3 and माइनस नहीं लगेगा, मल्टीप्लाई है. सो नेक्स्ट इज 0.35 - 0.3 अगेन इन टू एच एंड दिस विल बी इक्वल टू. अब इसमें हम पॉइंट रिमूव कर सकते हैं. 44/10 आ जाएगा, 26/10 आ जाएगा एंड ये तो 1 ही है तो ये ऐसे ही रहेगा. नाउ 22/7 अब मल्टीप्लाई हमें इसे प्लस करना है तो ये हो जाएगा दिस विल बी 0.65 एंड दिस विल बी इसमें हमें माइनस करना है तो ये हो जाएगा 0.05 इंटू एच इक्वल्स टू 44/10 इंटू 26/10. 1 को हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा. सो मैं इसको रब कर रही हूं. अब देखो हमें फाइंड करना है एच. ऑल्सो हम इसके भी पॉइंट रिमूव कर सकते हैं. इसका पॉइंट रिमूव करेंगे नीचे 100 आएगा, इसका पॉइंट रिमूव करेंगे अभी नीचे 100 आएगा. सो हमें h फाइंड करना है. यहाँ पे जितने भी हैं
उस साइड भेज देंगे, जो जो न्यूमिरेटर में है वो वहां डिनोमिनेटर में चला जाएगा एंड जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिरेटर में आ जाएगा. सो एच इक्वल्स टू हो जाएगा, पहले यहां वाला देखो क्या क्या है, 44, 26 एंड नीचे 10, 10. अब उधर देखते हैं, वहां पे है 22/7, न्यूमिरेटर में 22 है, यहां पे वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा 7, ऊपर आ जाएगा. देन वी हैव 65, ऊपर है यहां पे आएगा नीचे, एंड 100 ऊपर चला जाएगा. देन 5 नीचे आएगा एंड 100 अगेन ऊपर चला जाएगा. ओके, सो अब हमें यहाँ पे इसको कट करना है एंड हमारा आंसर आ जाएगा. सो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल. देन वी हैव, यहाँ पे हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं, दिस विल बी 20. देन ये हो जाएगा 11, दिस विल बी 10. एंड इसके अलावा हमारे पास है 11 इंटू 4 एंड देन 13 की टेबल से करेंगे, 13 टू 26, 13 इंटू 5 इज 65. देन 5 को इससे कट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा. तो अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या बचा. वी हैव 4 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2. सो 4 टू 8, 8 7 56, 56 इंटू 2. सो 56 इंटू 2 इज 6 टू 12, 5 टू 10, 11. सो वी हैव 112 मीटर्स. सो हमसे जो लेंथ ऑफ पाइप पूछा था दैट विल बी 112 मीटर्स. Okay, so this was our 24th question. Let's move to the next question.